और ये देखो ये चंदा मामा कितना प्यारा सा लग रहा है देखो। और यहाँ पे देखो गाइस एक और ट्राई कर लोकोमोटिव, एकदम ऐसा लगेगा ना हम लोग रियल वर्ल्ड में किसी स्टेशन पे एंटर कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। तो गाइस आज सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी खुशी में आज हम लोग WDG 4D के साथ में एक नाइट ड्यूटी करने वाले हैं। तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि यार बहुत ज्यादा काम आज हमको करना है WDG 4D के साथ में। नहीं नहीं ये हमारा लोकोमोटिव नहीं है, पहले आप लोग इस लोकोमोटिव को थोड़ा सा देख लो, और अभी हम लोग चलते हैं हमारे लोकोमोटिव के पास में। ये देखो ये हमारा लोकोमोटिव WDG 4D, इसमें बोर्ड करते हैं और सीधा कपल करते हैं इस फ्रेट ट्रेन से। ये हम लोग आ चुके हैं हमारे WDG 4D के इंटीरियर में। तो यार इंटीरियर वाला एक्शन देखो यार कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। एक काम करता हूँ गाइस, मैं पीछे वाले कैब में चला जाता हूँ। हमारा पीछे वाला कैब कहाँ है, ये रहा गाइस, ये हम लोग पीछे वाले कैब में आ चुके हैं। और यहाँ से हम लोग जल्दी से गाइस सामने का जो हेडलाइट्स है ना हमारा उसको ऑन कर लेते हैं, और अभी कैब लाइट्स को थोड़ा सा ऑन कर देते हैं। ये देखो ये है हमारा कैब लाइट, ये देखो कैब लाइट्स भी कितने मस्त तरीके से ऑन हो चुका है। और अभी हम लोग एक काम करते हैं सीधा आगे चलते हैं, हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न कहाँ गया हमारा, ये रहा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थ्रॉटल, और धीरे धीरे गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा जाकर कपल करते हैं हमारे इस फ्रेट ट्रेन के साथ में। काम करते हैं विंडो नहीं रहने देते हैं, विंडो यार बाद में खोल लेंगे क्योंकि यार इस वाले कैब में तो हमको रहना नहीं है, हमको बाहर वाले कैब में जाना है। चलो गाइस मैं बाहर से आपको कपलिंग दिखा देता हूँ, और मैं ब्रेक्स को अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि यार सामने हमको काफ़ी धीरे धीरे कपलिंग करना है हमारे इस लोकोमोटिव के साथ में। चलो यार, तो गाइस कैसा लगा आपको ये कपलिंग मेरे को कमेंट से बताना। तो चलो यार अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं शंभू स्टेशन पे। फिलहाल हम लोग थे, देखो मैसेज भी आ गया, गुड वर्क, नाउ टेक द ट्रेन टू राजपुरा जंक्शन इन मिडिल ट्रैक। अच्छी बात है, चलो यार चलते हैं राजपुरा जंक्शन तक। यहाँ से एक सर्विस का क्रॉसिंग भी चल रहा है जिसमें देखो एल्को लोकोमोटिव लगा हुआ है, BCNA वाली फ्रेट ट्रेन है। चलो यार गाइस हम लोग कैब के अंदर में वापस से चलते हैं। ये हम लोग पीछे वाले कैब में थे ना, हम लोग सामने वाले कैब में चले जाते हैं। ये आ चुके हम लोग सामने वाले कैब में। तो चलो गाइस अब देर किस बात, अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं। ये रहा हमारा हॉर्न, अभी हम लोग सीधा डिपार्ट करते हैं हमारे गंतव्य स्थल तक। चलो यार गाइस अभी धीरे धीरे हम लोग फ्रेट ट्रेन के साथ में डिपार्ट कर रहे हैं, और यहाँ का जो विंडो है ना गाइस इसको हम लोग खोल देते हैं क्योंकि हम लोग इसी कैब में रहने वाले हैं। तो यार यहाँ का विंडो खोलने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हमको, ये इस साइड वाला भी खोल देते हैं ताकि जो नज़ारा है ना वो आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। अब थोड़ा सा बाहर से मैं आपको नज़ारा दिखा के आता हूँ, यहाँ से आप लोग नज़ारा देखिए और नज़ारे का आनंद लीजिए। वैसे राइट साइड में एक ICF ट्रेन खड़ी थी, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। और अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले गंतव्य स्थल जो कि हमारे राजपुरा जंक्शन, और वहाँ पे जाके ना गाइस हमको कोई और अगला ड्यूटी दिया जाएगा। अब वो देखने के लिए यार आपको थोड़ा सा तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, जब तक हम लोग राजपुरा जंक्शन पे पहुँचते हैं आप लोग यार थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पे जाने के बाद में हमको किस ट्रेन को ड्राइव करना है। इस फ्रेट ट्रेन को हमको वहाँ पे छोड़ना है, वहाँ से कोई और ट्रेन हमको मिलेगा उसको हमको ड्राइव करना है। ये देखो यार हल्का सा कर्व में जा रही, जो स्क्रीचिंग साउंड्स आ रहे हैं ना गाइस इस पे जरा देखो कितना ज़्यादा मस्त वाला स्क्रीचिंग साउंड्स आ रहे हैं। और हाँ गाइस आज के जर्नी में ना रेल वर्क्स के नाइट जर्नी का भरपूर आनंद आपको आ जाएगा क्योंकि आज के हमारे इस सिनेरियो को यतेंद्र सिंह जी ने डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिनेरियो बनाते हैं आपको तो यार पता ही होगा। चलो यार अभी आपको मैं इनका नमूना भी दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं हम लोग दूसरा वाला जो हॉर्न है ना उसको भी बजा देते हैं। वैसे ये पीछे वाले लोकोमोटिव का हॉर्न है हमारे, ये वाला लोकोमोटिव हॉर्न कर रही है, पता नहीं यार क्यों हॉर्न कर रही है, हम लोग भी हॉर्न करते हैं। चलो यार ये हॉर्न काफ़ी ज़्यादा पसंद आया गाइस मेरे को। अभी हम लोग फुल पावर लगाते क्योंकि 140 किलोमीटर हमको मिल चुका है, वैसे 140 तक तो जाना हमको है नहीं, 110 किलोमीटर तक चलेंगे गाइस। चलो कैब के अंदर से हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, और इसका जो मोशन है ना गाइस आप लोग ज़रा इसको भी देखना, फुल पावर मैंने लगा दिया गाइस हमारे लोकोमोटिव का। तो सामने से क्रॉसिंग होने जा रहा है गाइस, आप लोग देख लीजिए कौन सा ट्रेन है, ये वैप 7 के साथ में कोई ट्रेन है ICF के अवतार में। यार मस्त सा क्रॉसिंग है गाइस, बिल्कुल मजा ही आ गया इस क्रॉसिंग का, बहुत ज्यादा मस्त वाला क्रॉसिंग था। और अभी मैं आपको एक ऐसा हॉर्न सुनाऊंगा ना जिससे जो आपका फील है ना वो और ज्यादा रियलिस्टिक होने लगेगा। चलो यार मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। तो बताओ यार गाइस ये वाला हॉर्न कैसा लगा, एकदम हाई स्पीड में जब हम लोग ये वाला हॉर्न बजाते हैं ना तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है।
बाकी यार आप लोग ये ट्राई कलर वाला जो लोकोमोटिव है ना, इसको जरा अच्छे से देख लो यार, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है हमारे ये लोकोमोटिव। ABR सेट का लगता है ये लोकोमोटिव। ये भी WDG 4D है और हमारा भी WDG 4D है। तो इसको तो यार छोड़ना है हमारे अगले वाले हॉल्ट पे, जो कि हमारा राजपुरा जंक्शन। चलो एक काम करते हैं, हम लोग थ्रॉटल को पूरा जीरो पे कर देते हैं और जल्दी से ब्रेक सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सामने राजपुरा जंक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है और काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो यार, मैंने ब्रेक को फुल अप्लाई करके रखा है और काफी तेजी से हमारा जो स्पीड है ना वो रिड्यूस हो रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं राजपुरा जंक्शन में, और देखिए लेफ्ट साइड में एक शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी है और उस साइड में देखिए एक वैब 4 के साथ में कोई एक LHB ट्रेन खड़ी है। तो पता नहीं यार हमको कौन सा क्या ड्यूटी दिया जाएगा, वो तो यार सामने रोकने के बाद में ही हमको पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, हम लोग कैब के अंदर में चलते हैं। देखो यार LHB ट्रेन उस साइड में और इस साइड में हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। अब देखते हैं, चलो आगे जाके पता चलेगा कि हमको अगला क्या काम करना है। अच्छा तो देखो अगला मैसेज आ गया, जहाँ पे हमको कह रहे हैं कि हम लोगों को हमारी लोकोमोटिव को फ्रेट ट्रेन से डिकपल करके सीधा जाना है और इस शताब्दी एक्सप्रेस के साथ में कपल करना है और उसको आगे अपने गंतव्य स्थल तक लेके जाना है। वाह भाई, पहले थोड़ा सा फ्रेट ट्रेन का मजा ले लिया और अभी लेंगे हम लोग शताब्दी एक्सप्रेस का मजा। तो जल्दी से हम लोग यहाँ से डिकपल करते हैं हमारे इस लोकोमोटिव को। तो यार ये देखो डिकपल विंडो को जिस तरीके से दिखता है रेलवर्क्स में, ये हो चुका है डिकपल और अभी हम लोग ब्रेक्स को रिलीज कर और हॉर्न बजा के आगे बढ़ते हैं। चलो यार अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सीधा हम लोग चलते हैं कपल करने को हमारे शताब्दी एक्सप्रेस के पास में। ये हो रहा है यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज और जैसे ही ट्रैक चेंज होता है हम लोग सीधा अपने उल्टे वाले डायरेक्शन में जाएंगे। तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं हमारे सीधे उल्टे वाले डायरेक्शन पे। रिवर्सर को चेंज करते हैं, ब्रेक्स को रिलीज करते हैं और थ्रॉटल बढ़ाते हैं हॉर्न बजाकर। तो चलो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे शताब्दी एक्सप्रेस के बिल्कुल पास में और अब धीरे धीरे जाकर हम लोग सीधा कपल कर देते हैं। यहाँ से गाइस हम लोग हॉर्न बजाते हैं थोड़ा सा और धीरे धीरे आगे बढ़कर हम लोग कपल कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इस शताब्दी एक्सप्रेस का हो चुका है ब्रेक्स फेल और हम लोगों को सीधा करना है इसके साथ में कपल। तो चलो गाइस फाइनली हमने कपल कर लिया। यार काफी ज्यादा जोरदार वाला कपलिंग था। वैसे यार नया खेल रहा हूँ ना रेलवर्क्स, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मेरे को सीखने में और एडजस्ट करने में। तो चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग फाइनली कपल कर चुके हैं। एक बार गाइस चेक कर लेते हैं। चलो यार लगता तो है हमारा कपलिंग पूरा हो चुका है। तो चलो गाइस देर किस बात की, हम लोग अब यहाँ से डिपार्ट करते हैं और सामने से लगता है कोई एक ट्रेन आ रही है एल्को लोकोमोटिव के साथ में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में। पहले हम लोग यहाँ से डिपार्ट करते हैं धीरे धीरे, एक लंबा सा हॉर्न बजा देते हैं हम लोग यहाँ से। ब्रेक्स को हमने रिलीज कर दिया है और अब धीरे धीरे थ्रॉटल को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो धीरे धीरे डिपार्ट कर रही है राजपुरा जंक्शन से। और आप लोग जरा साइड वाला जो क्रॉसिंग है ना, इसको जरा देख लीजिए। देखो यार ये एल्को लोकोमोटिव के साथ में ये एक ट्रेन है जो कि अराइव कर रही है। वैसे इसका नेम तो लिखा नहीं है, लेकिन ये एल्को लोकोमोटिव भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। इसका लिवरी काफ़ी ज़्यादा मस्त वाला लग रहा है दिखने में और हॉन्क देखो कितना मस्त वाला हॉन्क कर रही है। यार ICF राजधानी के कोचेस लगे हुए हैं इसमें, लगता है कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस होगा यार, जो कि राजपुरा जंक्शन में अराइव कर रही है स्लोली स्लोली और हमारा ट्रेन का जो है डिपार्चर हो रहा है राजपुरा जंक्शन पे फेल्ड वैब 7 के साथ में। वैसे वैब 7 का तो जर्नी मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एकदम पहला वाला वीडियो था मेरा रेलवर्क्स का जब मैंने आपको वैब 7 वाला जर्नी दिखाया था। तो वैसे भी धीरे धीरे हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं हमारे फेल्ड वैब 7 और हमारा पूरा OKWDG 4D के साथ में। देखो यार शताब्दी के कोचेस, वैसे हाँ एक बात है, ये जो शताब्दी के कोचेस है ना, नाइट में इसके जो विंडोज़ है वो ग्लो करने चाहिए थे, लेकिन देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा डल सा लग रहा है। तो यार इनके जो मॉडलर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको जितना जल्दी से हो सके इसको फिक्स कर देने के लिए, ताकि हम लोगों को जो फील है ना वो और ज़्यादा रियलिस्टिक वाला आए। और गाइस इस स्टेशन के नज़ारे के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपने देख लिया था कि कुछ पार्सल वाले ICF ट्रेन रखे गए हैं और ये तो यार हमारा वाला फ्रेट ट्रेन है जिसको कि हमने कुछ देर पहले हॉल करके आकर यहाँ पे छोड़ दिया था। और उस साइड में LHB ट्रेन मैंने आपको पहले दिखा दिया था और शताब्दी को तो हम लोग खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। चलो यार अभी हम लोग सामने के साइड में चलते हैं। तो गाइस हमारा जो अगला हॉल्ट है वो है सदुग्रह के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमको जाकर इस ट्रेन को रुकवाना है, यानी वो शताब्दी का रेगुलर हॉल्ट है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कौन सा शताब्दी एक्सप्रेस चला रहे हैं यार, वही नहीं पता चला कि हम लोग कौन सा शताब्दी एक्सप्रेस चला रहे हैं। खैर जो भी हो, हम लोगों को तो फिलहाल जो काम करना है सीधा शताब्दी एक्सप्रेस को ले जाकर अपने गंतव्य स्थल तक छोड़ना है। वैसे अपने गंतव्य स्थल तक तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हमको बोला जाएगा। फिलहाल हमको बोला गया कि सदुग्रह के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाकर इस ट्रेन को रुकवा दो,
फिर वहाँ से इस ट्रेन को हम लोगों को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। उसके लिए आप लोग जरा वीडियो में बने रहिए। चलो हम लोग सामने के साइड में कैब में चलते हैं। ये हम लोग बाहर वाले पोर्शन पे आ चुके हैं, हमारे लोकोमोटिव के बाहर वाला पोर्शन पे, और अब हम लोग आ चुके हैं अंदर में। तो गाइस एक काम करते हैं, हमारे थ्रॉटल को और थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमारा स्पीड और ज़्यादा जल्दी जल्दी से इंक्रीज़ हो। चलो गाइस अभी जो हमारा स्पीड है वो और तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग हॉर्न बजा देते हैं यहाँ से। ये वाला हॉर्न काफ़ी ज़्यादा मस्त है गाइस, ऐसा लग रहा है हम लोग स्पीड में हॉर्न बजा रहे हैं एकदम रियल वर्ल्ड में, देखो वैसा ही लग रहा है फीलिंग। और यहाँ पे देखो मीटर कंसोल्स वगैरह एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक बना के रखा गया है, आप लोग देख ही सकते हो सामने में, एकदम रियल टाइम जो स्पीड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है स्पीडोमीटर्स पे। और बाकी आसपास का कंट्रोल्स वगैरह देख लो, ये तो ब्रेक्स है, ये लोकोमोटिव ब्रेक्स है और ये वाला ट्रेन ब्रेक है। तो चलो यार सामने जाकर देख लेंगे। और ये वाले हेडलाइट्स का स्विच है गाइस, सामने से क्रॉसिंग होने जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे से दिखाता हूँ कि कौन सा क्रॉसिंग होने जा रहा है। आप लोग यहाँ से देख लो कौन सा क्रॉसिंग होने जा रहा है गाइस, लगता है वैप 7 के साथ में कोई एक ट्रेन है जिसका भी क्रॉसिंग होने जा रहा है, ट्रेन का नेम तो लिखा नहीं हुआ है। वाह भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाला क्रॉसिंग है, लेकिन इसमें भी मेरे को एक ही कंप्लेन है गाइस, ये जो LHB कोचेस है ना इसके विंडो को ग्लो करना चाहिए था रात के वक्त में, जो कि ये नहीं कर रहा है, मतलब वो वाला फीचर अवेलेबल अभी नहीं है। और एक चीज़ गाइस, ये पीछे में जो जनरेटर का आ रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि उल्टा प्लेस हो चुका है। देखो यार ये वाला जो पोर्शन है ना ये बिल्कुल पीछे वाले साइड में होना चाहिए था, तो यार मुझे जहाँ तक लगता है ये उल्टा प्लेस हो चुका है। तो चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं सामने के साइड में, और एक लेवल क्रॉसिंग से होते हुए हम लोग गुजर रहे हैं। देखो यार लेवल क्रॉसिंग में थोड़े बहुत गाड़ी वगैरह खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारे क्रॉस करने के लिए। बाकी यार गाइस हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है तो इसकी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड तो 130 का होना चाहिए। हम लोग बाकी देखते हैं हमारा लोकोमोटिव कितना तक उठा पाते हैं हमारे ट्रेन को। थ्रॉटल को तो मैंने पूरा फुल पावर पे लगा दिया है, अब देखना ये है कि हमारा जो लोकोमोटिव है ना ये कितना स्पीड में उठा पाती है ट्रेन को। चलो यार देखते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा आगे जाकर। पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है हमको, सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखो ये चंदा मामा कितना प्यारा सा लग रहा है, देखो एकदम रियल जैसा फील हो रहा है, एकदम असली जैसा लग रहा है गाइस, क्या कहते हो आप लोग इस बारे में। और बाकी आसपास का नज़ारा देखो एकदम रियलिस्टिक लगेगा, जब हम लोग किसी स्टेशन को स्किप करेंगे ना आप लोग ज़रा वो नज़ारे को देखना, आपको यार मैं सच कर रहा हूँ आपको मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जैसे कोई स्टेशन आता है ना मैं आपको दिखाता हूँ। और कैसे लगता है सामने से कोई ट्रेन आ रही है, मेरे को यार लाइट्स दिखाई दे रहा है, हेडलाइट्स नज़र आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा ट्रेन है, नेम तो दिख नहीं रहा है। ये भी यार EMD के साथ में है, EMD के साथ में कोई ICF गरीब रथ एक्सप्रेस है। देखो यार इसके जैसे विंडो ग्लो कर रहे हैं ना, मैं इसी की बात कर रहा था, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, एकदम रियल वाला फील आ रहा है इससे। भाई इस साइड में देखिए ये कुछ EMD के साथ में दो ICF कोचेस लगे हुए थे, पता नहीं यार ये क्या चल रहा था वहाँ पे। और बाकी इस साइड में देखो एक फ्रेट ट्रेन है, वैग 7 और वैग 9 दोनों लगा हुआ है। और बाकी कोई स्टेशन है जिसको कि हम लोग क्रॉस करने वाले हैं इसका भी आप लोग देख लो, वो देखो वहाँ पे देखो एक और शताब्दी एक्सप्रेस वहाँ पे यार दिखाई दे रहा है मेरे को दूर में, और एक ICF ट्रेन है। यहाँ पे यार काफी ज्यादा मस्त वाला हैंग कर रहा है हमारा गेम, क्योंकि यार इतने सारे जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे रखे गए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना ज्यादा हैंग कर रहा है। कौन सा स्टेशन था गाइस, ये सराई बंजारा गाइस। और लेफ्ट साइड में देखिए एक EMD के साथ में गैल्को लोकोमोटिव, और ये देखिए एक लेवल क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहे हैं हम लोग अभी यहाँ से, और कितने सारे जो है ट्रैफिक वहाँ पे रखे गए थे। और इस साइड में देखिए येलो कलर का एक EMD लोकोमोटिव के साथ में कोई फ्रेट ट्रेन है, उसके सामने में शायद से वैग 9 में लगा हुआ था, आपने नोटिस किया था क्या गाइस। यार मैं उस साइड में ना मुड़ना नहीं चाहता, उस साइड में जितना मुड़ रहा हूँ ना उतना ज़्यादा हैंग कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे रखा गया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और बाकी मैं आपको हमारे शताब्दी कोचेस का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। चलो यार मैं 5 प्रेस करता हूँ और सीधा हम लोग चलेंगे हमारे ट्रेन के अंदर में। ये देखो यार कितना शानदार सा जो इंटीरियर है वो बना के रखा है यहाँ पे, और कितना ज़्यादा शांत लग रहा है, एकदम रियल वर्ल्ड में ऐसा ही शांत होता है ना AC के चेयर कार वाले कोचेस, एकदम वैसा ही शांत सा लग रहा है। धीरे धीरे जो ट्रैक साउंड है वो सुनाई दे रहे हैं, और लोकोमोटिव का जो हॉकिंग साउंड है वो भी सुनाई दे रहा है। गाइज अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई हम लोग कुछ रियल वर्ल्ड जैसे ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना, उससे यार मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं और भी जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए ला पाऊंगा, उससे मुझे मोटिवेशन जो है ना और ज़्यादा मिलेगा। तो गाइस बाकी आप लोग दूर का नज़ारा देखते रहिए और इस नज़ारे का आनंद लेते रहिए। इस साइड वाले सीट पे आ जाते हैं, और यहाँ से भी आप लोग नज़ारा देखते रहिए,
और गाइस बहुत जल्द हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे अगले हॉल्ट जो कि है सदुग्रह प्लेटफॉर्म नंबर 2। ऑलमोस्ट यहां से 5 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज्यादा पास आ चुका है, बस हम लोग बस एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। तो गाइस सामने से देखिए एक और ट्रेन आ रही है, पता नहीं कौन सा ट्रेन है, इसका तो एल्को लोकोमोटिव लगा हुआ है, आप लोग इसका क्रॉसिंग देख लीजिए गाइस। तो यार ये क्रॉसिंग कैसा लगा आपको? ये भी ICF के अवतार में है ये ट्रेन, और इसमें ऐसा लग रहा है यार सारे के सारे जो कोचेस के विंडोज है ना वो क्लोज किए हुए हैं, पता नहीं यार क्यों। एक फ्रेट ट्रेन नजर आ रहा है मेरे को, फ्रेट ट्रेन रोक के रखा गया है, लगता है यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह होगा। और हम लोग इस ब्रेक्स को अप्लाई कर देते क्योंकि सामने में जो स्टेशन है ना वो आ चुका है यार। और एक और ट्रेन का क्रॉसिंग यार, बैक टू बैक दो दो ट्रेन का क्रॉसिंग देख लो यार। प्रबल WDM 3A या फिर 3D हो सकता है, उसके साथ में जन शताब्दी की कोचेस। इसमें भी यार लाइट्स नहीं जल रहे, मतलब विंडोज ग्लो नहीं कर रहे हैं यार, फील थोड़ा बहुत रियलिज्म इसमें खराब हो जाता है। खैर सामने देखो यार हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है, क्योंकि सामने सिग्नल को देख के भी पता चल रहा है हम लोग यार स्पीड को ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं। और यहाँ पे देखो गाइज एक और ट्राई कर लोकोमोटिव, गाइज आप लोग जरा सामने में देख लीजिए, एक लेवल क्रॉसिंग होते हुए हम लोग अभी गुजर रहे हैं, हमने हॉन्क मार दिया छोटा करके, और ये एक और ट्राई कलर वाला लोकोमोटिव, उसके साथ में ट्राई कलर वाली एल्को लोकोमोटिव भी है जो कि कल्याण सेट का है। तो गाइस आज के 26 जनवरी के अवसर पर मैंने आपको तीन ट्राई कलर वाले लोकोमोटिव से मुलाकात करवा दिया, वो भी रेल वर्क्स में। तो गाइस कैसा लगा आप सभी को? और यहाँ पे देखिए हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है, सामने आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा, बाकी लेवल क्रॉसिंग का नज़ारा भी एक बार आप लोग जरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक छोटी मोटी गाड़ी है जो कि रुकी हुई है, पीछे में और कुछ गाड़ी आ रहे हैं वो भी यार सामने आकर रुक जाएंगे, ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ पे। ये देखो फाइनली ये लोग भी आकर हॉल्ट कर चुके हैं लेवल क्रॉसिंग के बिल्कुल पहले, और धीरे धीरे हमारा जो ट्रेन है ना वो लेवल क्रॉसिंग से गुजर रहा है और सीधा हम लोग एंटर कर चुके हैं गाइस शायद से प्लेटफॉर्म। चलो यार हम लोग अंदर में बैठ कर देखते हैं, नहीं अभी तक तो एंटर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग एंटर कर जाएंगे प्लेटफॉर्म पर। आप लोग ज़रा यहाँ पर बैठ बैठ के नज़ारा देखिए यार, हॉर्न साउंड सुनाई दे रहा है ना। ये देखो उस साइड में ICF का एक ट्रेन नज़र आ रहा है, चलो मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। ये देखो एक ICF ट्रेन नज़र आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग प्लेटफॉर्म पे एंटर कर रहे हैं, इस साइड भी देख लीजिए आप लोग। ये देखो गाइस फाइनली प्लेटफॉर्म आ चुका है, और अभी हम लोग यहाँ पे हमारी ट्रेन को रोकने वाले हैं, जैसे हम लोग बिल्कुल सिग्नल के पास में पहुँच जाएंगे ना हमारी ट्रेन को हम लोग वहाँ पर रोक देंगे। चलो गाइस हम लोग सामने चलते हैं हमारे लोकोमोटिव के अंदर में, यह आ चुके हम लोग लोकोमोटिव के अंदर में, यहाँ से भी आप लोग नज़ारा देख लीजिए गाइस, और थोड़ा सा सामने में जाकर हम लोग रोक देंगे। एक काम करते हैं पहले ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं, ये ट्रेन ब्रेक्स है ना, इसको धीरे धीरे अप्लाई कर देते हैं ताकि स्पीड हमारे कंट्रोल में रहे। चलो यार अभी हम लोग ब्रेक्स को पूरा रिलीज कर देते हैं और थोड़ा सा सामने जाना है, जाने के बाद में हम लोग हमारे ट्रेन को यहाँ पे रुकवा देंगे गाइस। चलो गाइस अभी यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे रुकवा देते हैं गाइस, पूरा फुल ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं, और ब्रेकिंग साउंड आप लोग सुनो जरा। तो गाइस फाइनली स्वागत है आप सभी का सदुग्रह के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो गाइस कैसा लगा आपको यहाँ तक का जर्नी, एक बार जरा कमेंट्स कर देना, अभी रुको वीडियो खत्म नहीं हुआ है, जर्नी बाकी है गाइस। यहाँ से लगता है हमको अगले हॉल्ट तक भी जाना है। अच्छा मैं भूल गया, मेरे को यहाँ पे डोर्स खोलने थे ना। चलो यार गाइस मैं जल्दी से डोर्स को ओपन करके आता हूँ, एक काम करते हैं डोर्स को जल्दी से ओपन करते हैं ताकि पैसेंजर्स बोर्डिंग और डी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। कहाँ गया डोर वाला ऑप्शन? ये रहा। ये देखो यार अंदर से पैसेंजर्स तो कोई निकले नहीं यहाँ पे, ना ही कोई उठ रहे हैं यार, खाली ट्रेन लगती है अभी का टाइम। ये देखो यार ये बंदा ट्रेन के अंदर में चढ़ गया, मतलब वो गायब हो जा रहा है ना, उसका मतलब आप लोग समझ लेना कि ये ट्रेन के अंदर में चला गया, टेलीपोर्ट होकर ट्रेन के अंदर में चला गया। और यहाँ से गाइस हमारा जो अगला हॉल्ट है वो देखते हैं यार कौन सा देता है, वो तो अभी पता नहीं चल रहा है। अच्छा देख लेते हैं कौन सा हमारा अगला हॉल्ट है, वो है सरहांद, सरहांद जंक्शन पे हमारा अगला हॉल्ट है, और गाइस लगता है वहीं तक हमारा जो है आज का ड्यूटी होने वाला है जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि यार उसी स्टेशन पे लास्ट मेरे को नज़र आ रही है। देखो ये भी सरहांद, ये भी सरहांद, ये भी सरहांद, और ये भी सरहांद, तीन सरहांद यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलो यार अभी पैसेंजर बोर्डिंग बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं भाई, रेल वर्क्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक डोर्स भी क्लोज, ऑटोमेटिक डोर्स क्लोज हो जाते हैं सारे के सारे ट्रेन के, चाहे वो ICF हो या फिर LHB, कोई सा भी ट्रेन हो डोर्स तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। और एक बार इस साइड में देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रेन है यहाँ पे, तो ICF ट्रेन है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था ICF ट्रेन स्टैटिक, इसको रोक के रखा गया है। उस साइड में क्या है, इस साइड में तो कुछ खास है नहीं, ढेर सारे पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं मेरे को,
यार इतने रात को भी देखो यार कितने सारे पैसेंजर्स है सदुग्रह प्लेटफॉर्म पे। वैसे सदुग्रह जंक्शन तो नहीं है ना? नहीं जंक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कितना ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है मेरे को सामने। इस साइड में देख के आते हैं, इस साइड में भी ढेर सारे पैसेंजर्स हैं। चलो यार गाइस हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे। तो गाइस यहां से एक ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, देख लीजिए वैब 7 के साथ में। ये कौन सी ट्रेन है भाई? एलएचबी हाइब्रिड एलएचबी है क्या? नहीं नहीं हाइब्रिड तो नहीं है, देखो यार प्योर एलएचबी वाले कोचेस है। लेकिन इसका जो लीवरी है ना ये भी काफी ज्यादा शानदार लग रहा है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और यार इसका स्पीड स्लो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं गाइस इसका स्पीड स्लो हो रहा है। ये यहाँ पे रुकने वाली है क्या? नहीं रुकने तो नहीं वाली है, अगर इसको सिग्नल नहीं मिला होगा तब इसका जो स्पीड है रिड्यूस हो सकता है, पता नहीं यार वो तो पता चल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इसका स्पीड रिड्यूस हो चुका है। खैर जो भी हो भाई, गजब का ब्रेकिंग किया यार हमारे वैब 7 जी ने जब इसने स्टेशन को एंटर किया। ऑलमोस्ट मैं आपको क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट 110 से 120 किलोमीटर का रफ्तार होगा उस वक्त इसका, और वहाँ से पूरा जीरो में आने में कितना वक्त लगा। तो चलो गाइस फाइनली यहाँ पे आपने देखा कि हमारा डोर भी क्लोज हो चुका है, मतलब हमारा जो डिपार्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट गाइस पूरे के पूरे 4 से 5 मिनट तक हमने वेट किया स्टेशन पे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस पहुँच गए थे। तो चलो गाइस अभी दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हमारा टाइम हो चुका है डिपार्चर का, अभी जल्दी से लंबा सा हॉर्न बजाते हैं। अच्छा पहले ब्रेक्स रिलीज़ करना पड़ेगा, हम लोग ब्रेक्स को रिलीज़ कर देते हैं गाइस, उसके बाद हम लोग हॉर्न बजा के डिपार्ट करेंगे। पहले ब्रेक्स को रिलीज़ करते हैं यहाँ से। ये हो चुका है ब्रेक्स हमारा रिलीज, और अभी हम लोग धीरे धीरे डिपार्ट करते हैं हॉर्न वगैरह बजाकर। एक लंबा सा हॉर्न बजा देते हैं गाइस हम लोग यहाँ से। चलो गाइस तो फाइनली हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं, और अगला जो हमारा हॉल्ट है वो है सरहान जंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर दूर है। यार ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, आप लोगों को सरहान जंक्शन वाला जो नज़ारा है वो भी आप लोगों को दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाली EMD वाली जो ट्रेन है ना, इसको हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं यहाँ से। देखो यार इसका EMD भी कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है, काफ़ी मस्त वाला WDP4 है ये। इसके साथ में एक ICF ट्रेन रुकी हुई थी, और हमारा शताब्दी एक्सप्रेस जिसका कि ज़्यादा प्रायोरिटी है, हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं WDG4D के साथ में। हमारे लोकोमोटिव का रोड नंबर है 40470। तो गाइस आप लोग डिपार्चर देख लीजिए, और बाकी बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा कमेंट से बता दीजिएगा गाइस। उम्मीद तो करता हूँ कि मज़ा आ ही रहा होगा आपको। यहाँ से ज़रा ट्रैक चेंज का नज़ारा आप लोग देखते रहिए, और साउंड देखिए गाइस, स्क्रीचिंग साउंड सुनिए। भाई ये जो स्क्रीचिंग साउंड्स है ना, मैं आपको क्या बताऊं, इससे इतना ज़्यादा रियल वाला फील आ रहा है ना, मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। अगर आप लोग एक्सपीरियंस करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रियल वाला फील आ रहा है इससे। तो गाइस राइट साइड वाला जो सिग्नल है ना वो येलो सिग्नल है, और इसमें देखिए ट्रैक चेंज वाला जो लाइट्स है वो भी जल रहे हैं, मतलब कोई तो ट्रेन अराइव कर रही है और वो ट्रेन का वहाँ सामने में हॉल्ट होने वाला है। पता नहीं है कौन सा ट्रेन अराइव कर रही है, उसका सामने में जाकर हॉल्ट भी होने वाला है। अब वो तो चलो सामने में मुलाकात हो ही जाएगा हम लोगों से। हम लोग फिलहाल स्पीड को इंक्रीज करते हैं हमारा, और वो देखो सामने में ना हेडलाइट्स नज़र आ रहे हैं उस ट्रेन के, मैं आपको पूरा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो आपको नज़र आ रहा है गाइस, अच्छे से देखो गाइस सामने में मेरे को नज़र आ रहा है एक ट्रेन। कौन सा ट्रेन है वो तो सामने में आने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस ये एक तेजस एक्सप्रेस थी, येलो कलर की तेजस एक्सप्रेस EMD लोकोमोटिव के साथ में। ये तेजस एक्सप्रेस के जो विंडोज़ है ना ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगे यार, बहुत मस्त विंडोज़ है, मतलब नाइट टाइम में बिल्कुल मस्त वाले ग्लो कर रहे हैं, एकदम सही से ग्लो कर रहे हैं। और गाइस हम लोग ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की रफ्तार को पकड़ चुके हैं। गाइस एक काम करते हैं, हम लोग उस साइड वाला कैब लाइट को ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये वाला ना बहुत ज़्यादा आँख में लग रहा है, तो इस साइड वाला जो कैब लाइट है ना हम लोग इसको ऑन कर देते हैं, ये वाला नहीं ये वाला कैब लाइट। चलो यार ये वाला कैब लाइट सही है, और इसको ऑफ कर देते हैं। चलो यार अभी ये बिल्कुल सही लग रहा है। पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है गाइस हम लोगों को, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर बाकी है गाइस। स्पीड देखो गाइस हमारा कितना हो रहा है, 94
95 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो रहा है हमारा अभी, मतलब ऑलमोस्ट 100 कह सकते हो। चलो यार हम लोग शताब्दी के अंदर में चलते हैं, यहाँ से आप लोग नज़ारा देखते रहिए और एंजॉयमेंट लेते रहिए। एक लेवल क्रॉसिंग आ रहा है गाइस लगता है, क्योंकि यार देखो रोड जा रहा है हमारे साथ में, पता नहीं यार आगे जाके पता चल जाएगा कि कोई लेवल क्रॉसिंग आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हम लोग तो फुल हॉर्न करते करते आगे जा रहे हैं। ये देखो गाइस, मैं आपको कह रहा था ना कि कोई तो लेवल क्रॉसिंग जरूर से आएगा, क्योंकि हमारे साथ में रोड जा रहा था और बाकी सिग्नल हमको डबल येलो का मिला है। एक और लेवल क्रॉसिंग से होते हुए अभी लोग गुजर रहे हैं। इस लेवल क्रॉसिंग में एक ही गाड़ी मेरे को नजर आ रहा है, ज्यादा गाड़ी नहीं है इस लेवल क्रॉसिंग पे। गाइस हम लोग थ्रॉटल को जल्दी से रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि यार सामने में हमारा स्टेशन आ रहा है, ऑलमोस्ट सामने से दिखाई दे ही रहा है हमारे ट्रैक मॉनिटर पे। ये हमने अप्लाई कर दिया है ब्रेक्स को, और इस साइड में देखिए गाइस एक पार्सल वाली आईसिफ ट्रेन है, और बाकी सामने में जाकर पता चलेगा और कौन कौन से ट्रेन नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमने फुल पावर ब्रेक्स को अप्लाई करके रखा है ताकि हमारा स्पीड जल्द से जल्द डिक्रीज हो जाए। और इस पे देखिए वैप पाइप लोकोमोटिव लगा हुआ है, और ये देखो एक एल्को लोकोमोटिव के साथ में एक BCNA वाली फ्रेट ट्रेन नज़र आ रही है मेरे को, और ऊपर में एक हाईवे है, और साथ साथ में दो EMD लोकोमोटिव्स भी खड़े हैं स्टेशन के आउटर पे। ये देखो एक वैप 4 के साथ में, ये क्या यार वैप 4 के साथ में एक फ्रेट ट्रेन, वाह भाई मेरे को याद है MSTS में मेरे को एक बार दिखा था ऐसा वैप 4 के साथ में एक फ्रेट ट्रेन, और काफी दिन बाद रेल वर्क्स में दूसरी बार दिखा मेरे को यार वैप 4 के साथ में फ्रेट ट्रेन। तो गाइस अगर आप लोगों ने भी रियल वर्ल्ड में ऐसा देखा होगा तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना गाइस। तो फाइनली हमारा ट्रैक्स चेंज भी हो चुका है, और इस साइड में देखिए ये देखो ये जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है ना, इसके जो लाइट्स है वो जल रहे हैं। इसमें भी वैप 4 लोकोमोटिव, वैप 4 है या वैप 1 है पता नहीं यार, जो भी है वो लगा हुआ है, मतलब ये शायद से डिपार्ट करने वाली है, इसका शंटिंग चल रहा था शायद से, कोच रेडी होकर प्लेटफॉर्म पे लग जाएगा बहुत जल्द। फाइनली हम लोग गाइस एंटर कर चुके हैं सरहान जंक्शन पे, और बहुत जल्द हम लोग रोकने वाले हमारे ट्रेन के साथ में। अंदर से गाइस नज़ारा देख लीजिए, एकदम ऐसा लगेगा ना हम लोग रियल वर्ल्ड में किसी स्टेशन पे एंटर कर रहे हैं। देखो गाइस कितना ज़्यादा फील रियल जैसा आ रहा है। बाकी यार इसका इंटीरियर कैसा लगा गाइस आप सभी को बताना गाइस कमेंट्स में। तो गाइस फाइनली हम लोग अराइव कर चुके थे, उतने में क्या हुआ ना ये थोड़ा सा क्रैश हो गया यार, गेम थोड़ा सा क्रैश हो गया, जिसके चलते लास्ट वाला जो एंडिंग है ना वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। खैर जो भी हो पूरा जर्नी तो मैंने आपको दिखा दिया था, और गाइस आप लोग ज़रा कमेंट से बता देना कि आप सबको कैसा लगा आज का ये जर्नी, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर से ठोक के जाना और कमेंट से बताना, और अगर पहली बार यहाँ पे एंट्री मारे हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके गाइस मैं अभी आपसे फिर से मिलता हूँ किसी और अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।